मैं नंद किशोर 26 जनवरी 49 को इस धरती पे आया, एक सामान्य परिवार में, सामान्य परिवेश में, क्योंकि पिता विभाजन के कारण उजड़ के आए तो एक बहुत ही आर्थिक स्थिति भी उस समय परिवार की अच्छी नहीं थी, परंतु माता पिता ने, बाबा मेरे बड़े ताऊजी वगैरह ने, सब ने मेरा, क्योंकि परिवार में शायद मैं दूसरा ही लड़का था, तो बहुत लाड़ प्यार तो पूरा मिला। एक ऐसे ही विद्यालय में DCM ग्रुप के स्वतंत्र भारत में स्कूल में हम पढ़े, मजदूरों के बच्चे भी साथी थे, ऑफिसर्स के भी साथी थे, तो एक ऐसा परिवेश मिला कि पूरे देश को, समाज को छोटे रूप में जानते जानते क्या क्या इस समाज में दिखते हैं, उनको स्वयं देखा भी, कुछ भोगा भी, उसके कारण से व्यक्तित्व में ये आया कि कुछ बनना है, कुछ करना है। चाइल्डहुड में तो क्यों परिवेश ऐसा था, उस समय खेलने के लिए भी स्कूल का मैदान था या हमारे मिल के जो खिलाड़ी बहुत अच्छे थे, तो मैं भी कबड्डी का अपने जोनल चैंपियन टीम का सदस्य रहा स्कूल का। दौड़ने का शौक था, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट खरीदने की शायद उतनी सुविधाएं नहीं थी, परंतु जो देसी खेल जिनको कह सकते हैं, खो खो, कबड्डी, इन खेलों में, दौड़ में हम हमेशा स्कूल को प्रतिनिधित्व भी किया। मैं 67 में हायर सेकेंडरी पास आउट की, उससे पहले ACC में, स्काउट्स में, कॉलेज में आके NCC में भी रहा, तो अपने आप को आगे बढ़ने में मुझे मदद मिली कि एक डायरेक्शन मिली कि देश के प्रति झुकाव बढ़ता चला गया। अपने लिए जीने वाले बहुत लोग हैं, थोड़ा देश के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, ये भाव प्रकट हुआ। और 67 में मैंने RSS की शाखा में भी जाना प्रारंभ कर दिया। MSc करने के बाद मेरा मन था कि मैं लेक्चरर लगूं। पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 72 में केवल एक वैकेंसी निकली, इसलिए वो इच्छा पूरी नहीं हुई। परिवार ने विवाह कर दिया तो व्यापार में फिर आना पड़ा, जिसको मैं बचना चाहता था। व्यापार किया परंतु अपनी शर्तों पे किया, केवल 9 बजे से 5-6 बजे तक काम करेंगे, बाकी समाज का काम करेंगे। अग्रवाल समाज में 71 में एक्टिविटी प्रारंभ की, संघ की एक्टिविटी चलती थी, फिर थोड़ा सहकारिता आंदोलन में जुड़ गया 75-76 आते आते, और इमरजेंसी लग गई तो JP आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, सत्याग्रह भी किया तो जेल पहुंच गए। तो जेल से निकलने के बाद उस समय फिर कांग्रेस के प्रति या इंदिरा के प्रति थोड़ी नफरत ज़्यादा बढ़ गई, जो नहीं बढ़नी चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। पर 77 में मुझे कॉरपोरेशन की टिकट भी मिला, नॉमिनेशन भी भर दिया, परंतु मैं अपने आप को आर्थिक रूप से कमज़ोर लगता था, तो मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, तो मैं अपना नाम वापस ले आया कि मैं पहले थोड़ा आर्थिक सक्षम होकर ही राजनीति की जाए, तो जो लक्ष्य हैं, ईमानदार रहकर देश के लिए काम करना, वो संभव है। '62 में समझता हूँ 62 एक टर्निंग पॉइंट रहा मेरी ज़िंदगी में, जब मैं 5वीं में दिल्ली में स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में स्कूल का पहला स्कॉलरशिप लेके आया, 4 रुपये महीने ही थे उस समय, कई इंटेलिजेंट के वैसे एग्ज़ाम पास किए, और 62 की लड़ाई में आते आते चाइना ने जब भारत पर आक्रमण किया, तो मुझे लगा कि इस देश में तो कमजोरियाँ हैं, तो उसमें राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए काम करते हुए इकट्ठा करके नेहरू जी से मुलाकात हुई, नेहरू जी से प्रभावित भी बहुत हुआ। उसके बाद 65 की लड़ाई आते आते मैं स्कूल में ही था, उसमें फिर काम करने का मिला, तो देश के प्रति दायित्व बोध, विद्यालय का परिवेश ऐसा था, उसके कारण से मेरे प्रिंसिपल अग्निहोत्री जी, कई अध्यापक, उनमें महाजन सर विशेष तौर पर, जिन्होंने मुझे थोड़ा सा राष्ट्रभक्ति की ओर भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर थोड़ा सा मोड़ा। प्रारंभिक जीवन में तो बहुत ज़्यादा नहीं, 6ठी में जब हमने लिखा कि माय फेवरेट लीडर के ऊपर ऐसे लिखवाया करते,
उस समय बाकी सब लोग ट्रेडिशनली जवाहरलाल नेहरू पे लिखवाते थे, मेरे एक टीचर थे सबर वाले, उन्होंने कहा नहीं जयप्रकाश नारायण पर, मैं जानता नहीं ज़्यादा उनके, पर उन्होंने फिर मुझे उनकी जीवनी इत्यादि बताया, तो उस दिन के बाद जयप्रकाश नारायण जहन में थोड़ा उभर के ज़्यादा है। 67 में आते आते मेरे जो आदर्श हो गए वो डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, जो संघ में जब से जाना प्रारंभ किया, एक व्यक्ति डॉक्टरी पढ़ने के बाद भी निजी जीवन ना जीकर इस देश की जो कमजोरियां उनको पहचाना, उनको डायग्नोज किया और उनको दूर करने के लिए एक बहुत लंबी प्लानिंग की। प्रसंग तो गीता के 3-4 अच्छे श्लोक हैं सबके ही, तो फिर हनुमान जी आदर्श रखते हैं जिनको ज़्यादा कुछ, सबसे भोले भाले, सबसे ज़्यादा जो राम काज करीबे को आतुर। तुम्हारे रज्जू भैया जी एक बात कहा करते कि व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, स्वयं से को परिभाषित करते तो विद्यावान बलि अति चातुर राम काज करीबे को आतुर। उसमें सारी चीज़ आएगी कि विद्यावान भी हों, बलवान भी हों, परंतु चतुर तो हों, कनिंग ना हों, और राम काज मतलब जनता की सेवा, जन सेवा, समाज सेवा, दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार रहें, मेहनत करो। और जो भगवान ने गीता में भी कहा था, कर्म अपने आप अच्छे होंगे तो फल अपने आप अच्छा होगा, वही विज्ञान कहता है कि जितना आप फोर्स लगाओगे उसका उतना ही बैक आएगा। पढ़ने का बहुत शौक है, पर समय आजकल इतना उतना नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए, किताबें खरीदने का शौक अब ज़्यादा रह गया, पढ़ने का उतना समय नहीं मिल पाता, क्यों सुबह 1-1.5 घंटा अखबारों में लग जाता है, पुराने गाने सुनने का है, पहले फिल्में भी काफ़ी देखते थे 1982 तक, उसके बाद जाने में झिझक होगी, समय भी कम मिलता है। अब अपने परिवार के सिनेमा या रिश्तेदारों के तो भी शायद कई कई साल तक हमें जाने की वो नहीं मिलती, परंतु हॉबी तो है, परंतु आज भी पुराने गीत सुनना। करने वाले तो शक्ति दूसरी है, हमें भ्रम है कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए रहीम जी ने भी कहना था कि देने वाला कोई और है, मैं तो केवल उसका एक साधन हूँ, रोज सबसे बड़ा दान करता था, तो उन्होंने ये दोहा क्या लिखा था, देवत है कोई और, तो हम कुछ कर रहे हैं ये एक भ्रम है, हम वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, करवा कोई और रहा है। दिन में से 20 चैलेंज आते हैं, हर रोज आते हैं, रोज नए पे चैलेंज आएंगे, परंतु उनको यदि घबराना नहीं चाहिए, जो आ रहा है उसको सहज रूप से मान के चलना, दूसरा कोई कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ जब भी भावना आ जाए, तो जामवंत ने भी हनुमान जी को यही कहा था कि आप जा सकते हो समुद्र पार करके, उनको याद दिलाना पड़ता, तो हम भी उसी को याद करते रहते हैं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है तो हो जाता है। विद्यालय में समझता हूँ माँ बाप के बाद सबसे बड़ा सिखाने वाली चीज़ है, तो शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ा नहीं पाए, परंतु पढ़वाने की व्यवस्था करने में फिर 74 से मुझे अवसर मिलने लग गया। गीता विद्यालय हमने शुरू किया जो आज लगभग 40 साल से सुल्तानपुरी में 2,500 बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं। उसी से आगे निकलते गए, सहकारिता में एक सोसाइटी बनाई, दिल्ली की नंबर वन बनाई, इसी का विकास करते करते मेडिकल कॉलेज शुरू किया अग्रोहा, अब एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हमने फिर अपना इधर विद्यालय से हमने कॉलेज शुरू किया महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज इंडिया के टॉप 20 में है इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा, मैनेजमेंट शुरू किया तो वो भी आज इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में बनने वाला श्रीराम कॉलेज जैसा है, आज हम गर्व से ये कह सकते हैं। वहीं से फिर पिछले वर्ष हमने महाराज अग्रसेन यूनिवर्सिटी, प्रणब बाबू राष्ट्रपति ने उनका उद्घाटन किया पिछले साल मई में, तो ये यात्रा जारी है और इस यात्रा में बहुत सहयोगी समाज के लोग, बहुत बड़े बड़े दानी और इस देश के जो टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इन्हीं संस्थाओं से हमने उनको भी जोड़ा, चाहे जिंदल परिवार हों, चाहे सूर्य रोशनी वाले हों, एक्शन शू वाले हों, सब हमारे सहयोगी हैं, सब हमारे दानदाता हैं और समय लगाने वाले हैं। आगे बढ़े तो हॉस्पिटल की सोची, आज महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल
1980 में सोची थी, 90 में शुरू कर पाए। आज 400 बेडेड हॉस्पिटल दिल्ली का, टॉप के 10 हॉस्पिटल में हम कह सकते हैं वो है, जहाँ सुपर स्पेशलिटी भी। सफलता असफलता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमेशा तो कोई सफल नहीं हो सकता, और सफलता कितनी है ये अपने खुद मेजर करें या दूसरे लोग करें उस पर ज़्यादा मैं समझता हूँ। दूसरे लोग कहें कि ये अच्छा काम है, इससे समाज का भला हुआ, लोगों का किसी का भला हुआ, वो सफलता है। किसी के आंसू पूछने में सफलता है, किसी को मुस्कान दे सकें तो सफलता है। लगभग 6 बजे उठते हैं, और 6 बजे के बाद सुबह 15-20 मिनट बाद मैं श्रीमती अपना घूमने चले जाते हैं, मैं वहाँ से शाखा चला जाता हूँ, ये घर आके अपना व्यायाम कर लेती हैं, आके आधा पौना घंटा अखबार बाहर बैठ के पढ़ते हैं, उस समय थोड़ा नींबू पानी इत्यादि ये दे देती हैं, और 8:30 बजे मैं नहाने के निकल जाता हूँ, 9:15 बजे नाश्ता करके फिर जनता के बीच में 12-12:30 बजे एक बार भोजन करना होता है, तो वो 12:30 से 2 बजे तक के बीच। उसके बाद घर वालों को ये चिंता नहीं कि मैंने भोजन करना, क्यों मैं रात का भोजन करता नहीं, क्योंकि सामाजिक जीवन है, ब्याह शादी गमी खुशी मिलना मिलाना पार्टी की मीटिंग्स, रात के आते आते 10-11 बज जाते हैं, आधा घंटा टेलीविज़न देख के सो जाते हैं, बस यही दिनचर्या है। राजनीति एक माध्यम है सेवा करने का। भाजपा का जो कमल संदेश है मुखपत्र, वो भी उसका पब्लिशर मैं ही हूँ, तो पार्टी ने मुझे सम्मान दिया, राष्ट्रीय कार्य समिति का मैं सदस्य हूँ आज, पिछले 12-13 साल से आडवाणी जी के अध्यक्ष काल से। 83 में मैं काउंसलर बना, काउंसलर बन के मैं बिजली विभाग को मैंने बहुत नज़दीक से देखा। 93 में MLA बना, मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना। 98 में चीफ भी पार्टी के रहे, इसके बाद लोगों ने 2013 में फिर से मुझे विधायक बनाया, पर इस साल फिर से चुनाव हुए। तो यात्राएं हैं, और दिल्ली की समस्याओं को जितना नज़दीक से देखा है, सारी ज़िंदगी दिल्ली में बीती, परंतु 1983 के बाद तो डायरेक्ट देखा है, समस्याओं के सॉल्यूशंस क्या हों इसके ऊपर चिंतन भी है, उसके ऊपर कुछ करने की क्षमता भी है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब जो भगवान अवसर देगा, जिस चीज़ टाइप का करेंगे उसको, तो राजनीति से कुछ लेना नहीं है, ये पहले दिन से तय कर रखा है। ये ना बताना हमारा तो जिस गीत को हम रोज़ शाखाओं में दोहराते हैं, सिंहासन चढ़ने की इच्छा नहीं, कुछ करने की ज़रूर है। अवसर मिलेगा, जब जब मिला किया है, जब आगे मिलेगा फिर करेंगे। परिवार के सपोर्ट के बिना तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और ये तो पिताजी की ज़्यादा इच्छा थी, पर वो जल्दी चले गए। मैं जिस दिन पहला चुनाव जीता उसके 1.5 महीने के अंदर ही बीमार थे, उस समय चले गए, तो इसलिए। पर आज भी सपोर्ट उन्हीं का है, वो अदृश्य रूप में है। बाबा का बड़ा सपोर्ट था, फिर दादी का था, भाइयों का बेटों का तो है ही। अब सवेरे 8-8:30 बजे तक शाखाओं में, 9-9:30 बजे ऑफिस जाएं, तो उसके बाद जो शुरू के 8-10 साल हर महिला की हर पत्नी की इच्छा रहती है, कोई विषय डिमांड होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि डिमांडिंग होती तो फिर मैं उसी चक्कर में लगा रहता। तो मैंने कहा घर वाले मेरे से कोई डिमांड नहीं करते, कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। स्टोरी के व्यूअर्स को तो एक ही संदेश है कि इंडिया को याद रखें, भारत को आगे याद रखें, और जो कुछ हो सके भारत के लिए करें, और कम से कम इतना तो ज़रूर करें कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे भारत की भारतीयता पर, उसके संस्कार पर, उसकी संस्कृति पर चोट पहुंचती। इतनी प्रिकॉशन भी ले लेंगे तो भी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन हर व्यूअर का, हर भारतीय का होगा। जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, ये मुखड़ा है उसका, कि जीवन का एक ही लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है केवल भारत माँ की सेवा करना,
और उसके लिए दिन रात उसी को देवता माने। स्वामी विवेकानंद ने एक ही बात कही थी कि भारत के लोगों, सभी देवी देवताओं को 50 साल के लिए अलमारी में बंद कर दो, केवल जीवित भारत माँ को याद रखो और उसी के लिए अर्पित हो जाओ।